बिहार विधानसभा को लेकिन हुलस्थूल हो उठी बिहार राजनीतिक माहौल एवं उत्साहित हो उठी बिहार भोटर आम अच्छु वर्तमान पटना आसिक पहुँची सारी पटना सहर से रही किसी ऑटो चालक आम सहित उपस्थित अच्छा जेहेतु से पटना होगाक प्रथम चरण निर्वाचन व प्रथम पर्याय निर्वाचन में भोट देवाई जी एम मत बर्तमान कौन रही है क्यों प्रसंग को लेकिन बर्तमान भोट देवाई जी आम सीधा सड़क आलोचना करने जाटकर ऑटो चालक मैंने अच्छा 28 तारीख को पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं, आप लोग वोट देने के लिए जाएंगे, किस मुद्दे के आधार पर आप लोग वोट देते हैं? हम लोग तो सोच रहे हैं कि अच्छा सरकार बने, अच्छा विकास होवे, रोजगार होवे, शिक्षा मिले और क्या चाहिए पब्लिक को, सेफ्टी रहे, जनता रोड पर अच्छे से रहे, बिजनेस होना चाहिए और क्या चाहिए सरकार, और पब्लिक को क्या चाहिए, खाना मिलता रहे, भोजन मिलते रहे, पावर प्लांट चाहिए। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जिस तरह से 15 साल के बिहार जो पहले की स्थिति थी वर्तमान की स्थिति क्या है, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ वादे भी करते हैं, रोजगार, शिक्षा, किसानों की बातें करते हैं, हर चीज़ों की वादे करते हैं, तो आप किस मुद्दे के आधार पर इस बार वोट देने के लिए जाएंगे? बिहार में देखिए जहाँ तक बात है 15 साल पहले का, तो पहले गड्ढा में सड़क रहता था और आज वो चीज़ पूरे बिहार में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है, मगर तब बात रही कि सिर्फ सड़क से आदमी का पेट नहीं भरने वाला, आदमी को रोजगार चाहिए, कैसे दाल रोटी चले, महंगाई इतना बढ़ गया है उसको सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, उसको ख्याल रखे। ये तो गरीबों की सरकार बोल करके बनाते हैं लोग कि गरीबों की सरकार है, मगर ये सरकार हमारे समझ से अमीरों की सरकार। जिस तरह से आपके सामने मुद्दे क्या रहेंगे, आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे सामने मुद्दा यही है कि इलेक्शन में जो भी वोट पड़े या जो भी पार्टी जीते, पार्टी तो जीतेगा ही जीतेगा, सरकार बनेगा ही बनेगा, किसी का भी बने, लेकिन सरकार से यही इल्तिजा है कि रोजगार सबसे पहले बढ़ाए। सड़क तो बढ़ रहा है, सड़क पर चलने से इंसान मर जाएगा, पैर घिस जाएगा, लेकिन मंजिल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मंजिल के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए। और आने वाले सरकार से यही विनती है कि इंडस्ट्रीज लगाएं बिहार में, बिहार का शेर बाहर ना जा पाए। आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे, क्या असली मुद्दे रहेंगे, मुद्दे के आधार पर चुनाव वोट देने के लिए जाएंगे आप? वोट यही रोजगार का मुद्दा रहेगा और क्या रहेगा, बेरोजगारी इतना हद से ज़्यादा है कि आदमी मर रहा है, आदमी दिन भर टेम्पू चला रहा, पेट नहीं भर रहा है, क्या मुद्दा, यही ना मुद्दा रहेगा। जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो है किस्ती भरने का पैसा नहीं जुट पा रहा है ड्राइवर लोग से, तो क्या करे, खाएगा कि किस्ती भरे, क्या करे, उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, समझे। सबसे पहले जो रोजगार ही गोटे बड़ा प्रसंग रही है, जेहेतु समस्त मुहर केवल रोजगार कथा उठा जा, जो 15 वर्ष पूर्व जो सरकार थी वर्तमान में बहुत किसी परिवर्तन आसती जहाँ प्रतिक्रिया दौरानी एठाकर ऑटो चालक अच्छा पटनार जो रोकता पटनावासी अच्छा जो मैंने वर्तमान भोट देवाई जी जिस तरह से बातें हो रही थी, विभिन्न प्रकार के मुद्दों की बातें हो रही थी, आपके सामने क्या असली मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव तो ऐसे भी जैसा भी रहे चुनाव, उससे कहे कि हम लोग को तो चुनाव कुछ मतलब के क्या दे रहा है, हम लोग को कुछ तो दे नहीं रहा है। अब जो जीतेगा इसमें वो तो अपना ही भरेगा, लेकिन हम लोग तो अभी के क्या जूझ से मैंने जूझ रहे हैं, चला रोटी चला रहे हैं गाड़ी घोड़ा, लेकिन पेट भर नहीं रहा है सही, कितनों कर रहे हैं मेहनत, कितनों चला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पेट नहीं भर पा रहा है। रोजगार, शिक्षा और किसानों की बातें हो रही है, वादे किए जा रहे हैं, आपको किसके वादे पे ज़्यादा भरोसा है? ऐसा तो वादा है जो काम कर रहे हैं उन्हीं के और आने वाले सरकार से यही मिलती है। आपके सामने सबसे असली मुद्दे क्या रहेंगे, क्या इस बार के सबसे अहम मुद्दे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां वादे कर रहे हैं, आपको किस वादे पे ज़्यादा भरोसा है और आप क्या चाहते हैं बिहार में वर्तमान? विकास चाहते हैं, विकास रहेगा तो हम लोग का रोजगार मिलेगा, नहीं विकास होगा तो रोजगार कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग भुक्कल मार जाए, किस्ती पे गाड़ी लिए हुए, पेट नहीं भर रहा, किस्ती जमा नहीं हो रहा, हम लोग इतना गाड़ी चला रहे, किस्ती वाला गाड़ी टांग के ले जा रहे हैं, बोलिए सबसे पहले सरकार को ट्रेन खोलने के लिए। जिस तरह से जो किसी जो ऑटो चालक बाठाकर होटल मैन अच्छा जो मैंने भोट देवाई जी निहत भाव में विभिन्न प्रसंग रही, रोजगार कथा कहते, विकास कथा कहते, शिक्षा कथा कहते, रोजगार, विकास, शिक्षा, किसान, आपको किस मुद्दे पे वोट देना है, किस क्या है आपके सामने अहम मुद्दा? मुद्दा यही होना चाहिए सर, यहाँ हर एक आम पब्लिक को रोजगार होना चाहिए, रोजगार रहेगा तभी शिक्षा भी होगा, पेट भी बढ़ेगा, सब चीज़ होगा, बिना पैसा कुछ नहीं है सर दुनिया में, जब पैसा आदमी कमाएवे नहीं करेगा तो कहाँ से कोई भी काम करेगा, ये बताइए। पैसा नीतीश बाबू बोले कि लॉकडाउन में जितना भी आदमी आया वो यहीं रहेगा, यहीं कमाएगा,
आज जाके देख लीजिए, पटना जंक्शन हो, दानापुर स्टेशन हो, किसी भी स्टेशन पर मजदूर लोग लाइन लग के साला ट्रेन चढ़ रहा है। अगर यहाँ रोजगार रहता तो बाहर क्यों जाता? बिना शिक्षा के तो रोजगार मिलना नामुमकिन है। हाँ। शिक्षा नहीं तो रोजगार नहीं है। शिक्षा का विकास भी होना चाहिए। 5 साल आप अगर देखे तो पीछे 15 साल के पहले जो सरकार थी, अब जो बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ आपको दिख रहा है और क्या होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ बेरोजगारी है। अगर सबसे बड़ी यहाँ रोजगारी है, आप रोजगार देने का वादा करते आप रोजगार नहीं दे रहे। आप शिक्षा की बात करते हैं, सही बात, शिक्षा सर्विस देते हैं आप लोग, अच्छी बात है, दीजिए आप नौकरी, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, नौकरी चाहिए उनको भी। बाकी आप तबके लोगों को भी ध्यान दीजिए। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको आप सर्विस दे रहे हैं, आज जो अनपढ़ित लोग हैं उनको तो रोजगार चाहिए सर। बाहर में जितना भी आदमी जा रहा है, अभी जितने लोग पलायन हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, अभी आप जाके स्टेशन देखिए, आपको मजदूर लेबर लोग ही मिलेंगे आपको। नौकरी तो मिल रहा है सर, बाहर में जा रहा है। जब हमारा सर कहना ये है सरकार से कि मुझे रोजगार चाहिए, शिक्षा रोजगार, सरकार जो भी आए रोजगार दे। जदि देखिबा हमें वोटर प्रसंग जो रही रोजगार रही शिक्षा रही विकास रही विभिन्न प्रसंग को लेकर आलोचना करूँ। जो बिहारवासी अच्छा जो पटनावासी अच्छा जो मैंने चलित थर बा 28 तारीख में हाबक प्रथम पर्याय निर्वाचन से भोट देवाई जी और आम सहित आहरी किसी अच्छा पटनावासी अच्छे ना वरिष्ठ नागरिक अच्छा वरिष्ठ लोक अच्छा चाचा इस बार चुनाव होंगे 28 को वोट आपके सामने क्या रहेंगे अहम मुद्दे आप जिसके आधार पर वोट देने के लिए जाएंगे? हम आज लड़ना वोट देवे के लिए के कोई पार्टी से हमारा नफरत हो। वजह क्या है? ये तो लोकतंत्र का अधिकार है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैंने 90 से लेके 2000 तक नौकरी नहीं दिया सरकार। अब कहिए कि उस लाइक आप नहीं है, लाइक रहते हुए भी नहीं मिला, तो हम सोचे कि अपना टेम्पू लेके चलाएंगे, कमाए खाएंगे। तो मान लिए अभी जो भी सरकार दे रही है, अब वोट देने जाएंगे ना, तब वोट लेने के समय आएंगे पाटिल वाले और उधर बाद में नजरे नहीं आते हैं। हम लोग के गली में पानी लगना लगता था, अभी भी 21 नंबर 20 नंबर में चल के देखिए पानी लगल रहेगा, बरसात रहेगा। अभी ले हम लोग के एरिया उसने है, माने खाली शहर में है, बन गया गली कुची वैसी है। जो मुद्दा वर्तमान रही प्रसंग रही रोजगार शिक्षा विकास विभिन्न प्रसंग को लेकिन चर्चा थर बिहारवासी भोट देवाई जी खास करके जेहेतु आम पटना अटो चाड़क मान सहित बर्तमान आलोचना करूँ से मूड बुझुलूँ बर्तमान से कौन मूड रही क्यों मूड बा क्यों आधार से बर्तमान भोट देवाई जी से सब विषय पर आलोचना बर्तमान कर देखा बाकी रहा 28 तारीख दिन प्रथम पर्याय भोट पड़ और 10 तारीख दिन गणति जाए किए सरकार को जीता उपर बर्तमान समस्त नजर रहा। पटनारू कैमरा पर्सन तुना मनन इमरान खान अर्गस न्यूज़।